सर इट्स गुड टू हैव यू बैक ऑन स्क्रीन. वो भी एक एक्शन अवतार में. बड़े टाइम बाद हम आपको ऐसे एकदम हार्डकोर एक्शन अवतार में देख रहे हैं. सो प्लीज अगर आप एक्शन सीन के बारे में बताएंगे जो आपने किए और जो आपने स्टंट्स किए उसके वजह से शायद आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज हुई थी, तो प्लीज उसके बारे में आप खुद बताइए कि कैसा रहा वो माहौल एंड स्टंट्स जो किए वो कैसा था, प्लीज खुद डिस्क्राइब कीजिए. सर ये हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन विक्टर सर ने कहा कि करना है तो कर दिया और अभी तक भुगत रहे हम, क्योंकि शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो कि टूटा ना हो. और अभी भी हम कई अस्पतालों कई डॉक्टरों से मुलाकात हो चुकी है, कुछ सुधार नहीं हुआ है. क्या कहें इसके बाद. एक तो सर क्या है कि आम कपड़ा अगर पहना देते तो चलिए फिर भी ठीक होता, लेकिन पहना दिया इन्होंने ये आर्मर. गनीमत है कि लोहे का नहीं था. लोहे से छुटकारा मिला था शहनशाह के बाद, हमने कहा चलो बच गए, लेकिन यहाँ फिर इन्होंने पहना दिया. तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर ये लोहा जो है वो कैमरा के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, चमड़े का बना देते हैं. लेकिन जो चमड़ा इन्होंने चुना वो इतना मोटा था, तो उसका वजन कम से कम 30-40 किलोग्राम होगा और भर गया. ऊपर से दो ठो तलवार दे दिया, एक ठो यहाँ पर डैगर दे दिया, पगड़ी दे दी, बाल दे दिए. सर ये तो सबसे मुसीबत वाली बात होती है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते हैं उसको लगाने में. उसके बाद इधर से कूदो उधर से कूदो, यहां मारो वो मारो, ये सब शुरू हो गया. और जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि जितना ये एक्शन था ये सब बरसात में हो रहा है, और जब पानी बरसे तो जो चमड़ा था वो सब सोख ले पानी और 20-30 किलोमीटर और बढ़ जाता था. इतना भार उठा करके इन्होंने हमसे काम करवाया है. बाकी इन्हीं से पूछिए क्यों करवाया ऐसा. देखिए सर आपके नाम में इतना वजन है कि उसको कॉस्ट्यूम हल्का आपको दे ही नहीं पाए. सर डायलॉग बोलना मेरा काम है. सर डायलॉग मत बोला कीजिए आप. अमित सर रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. अमित सर लेट 80s में आपने एक फिल्म की थी अजूबा, जो एक पीरियड फिल्म थी शशि कपूर साहब की. अगर आपकी बात की जाए 3 दशक बाद, कितना कुछ आसान हो गया इस तरह की फिल्में बनाना, क्योंकि पहले VFX नहीं होते थे, इस तरह की टेक्निक नहीं होती थी, इस तरह के स्टंट्स नहीं होते थे, मॉडर्न स्टंट्स जिस तरह से फिल्माए जाते हैं. अब कितना आसान हो गया पिछले 3 दशकों में अगर आपसे मैं पूछूं तो. आसान बिल्कुल नहीं हुआ भाई साहब, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो और भी भयंकर काम करवाने लग गए. कहने सब टेक्नोलॉजी से संभाल लेंगे, तो करना उतना ही पड़ता है. फर्क यह है कि शायद उस ज़माने में हमसे कम करवाते थे, क्योंकि हमसे संभव नहीं होता था करना. कहीं से कूदना हो, कहीं से गुलाटी मार करके जाना हो, तो वो छोटा रास्ता होता था या कम हाइट होती थी. अब कहते हैं सारा 40-50 फुट के ऊपर से कूद जाइए, कुछ नहीं है, आपको बांध बूंद के ले आएंगे नीचे. तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से ये मत सोचिए कि हमारा काम जो है ज़्यादा आसान हो गया. हाँ कुछ हद तक विजुअली इट हैज़ बिकम अलॉट मोर प्रेजेंटेबल लेट मी से, बट इन द ओल्डन डेज we actually chose the large locations, we actually went on location and shot there. Aur jo kuch bhi karwaya wo ekdam immediate tha, isme ye nahi tha ki baad mein is pe kaam kiya jayega. So I would say ki zyada aasan to hua nahi tha. Amit ji here. Hello ji, dekhiye Amir bhi hain, Katrina bhi hain, ji Amit ji bhi hain. Ek sawal, ek minute, inse baat karwaiye aap. आमिर आप इससे पहले 2 पीरियड फिल्में कर चुके, लगान और मंगल पांडे, और अब एक और पीरियड फिल्म आप कर रहे हैं भले ही फिक्शनल हो. क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था जब आपने एक और पीरियड फिल्म में काम करने के बारे में सोचा? और दरअसल मेरे लिए कहानी अहम होती है, कब वो किस पीरियड में हो वो दैट्स नॉट द मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता. और ठग्स जैसी फिल्म जो है ये एक्चुअली आई थिंक इस किस्म की फिल्म मैंने तो नहीं देखी है हिंदुस्तानी पर्दे पर, जो उसका स्केल है, जो उसका माउंटिंग है, जिस किस्म के किरदार हैं. तो आई फील दैट इट इज समथिंग विच इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. और जो मेरा किरदार लिखा है विक्टर साहब ने वो मुझे बड़ा पसंद आया. आमिर हियर, ऑन योर राइट, राजीव विजयकर.
firstly, apologies, you passed by and I didn't recognize you on this getup. And secondly, you have always been wanting to work with Mr. Bachchan. We all know that. There was a quarter kind of working when he dubbed, he said the voiceover for Lagaan. That's right. But there are two films which were shelved. So, can you speak something about the experience? Plus, yeah. Second time with Katrina and Fatima also. Yeah. Well, it's always been a dream for me. मेरे लिए एक सपना रहा है कि मैं अमित जी के साथ कभी काम करूं और मेरे करियर को अभी 30 साल हो गए और मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मुझे अच्छा भाई साहब ये मंच जो है ये यहाँ पर सच बोल देना चाहिए ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं सच नहीं है सर तो हमेशा से मेरा ये सपना रहा है और मेरे लिए एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस रहा है कैसे समझाऊं एक जब एक बच्चा होता है वो चॉकलेट के शॉप में जाता है उसको सब चीज़ें बहुत कमाल की लगती हैं तो मेरे लिए हर दिन ऐसा था कि मैं अमित जी के बगल में बैठता था और उसी में मैं खुश होता था कि मैं उनके साथ बैठा हूं उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूं आज उनके साथ इस मंच पे हूं तो उसी बात से मुझे इतनी खुशी होती थी ही इज समवन हु इज रियली समवन हु आई हैव लर्नड फ्रॉम समवन हु इज सो ग्रेशियस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट हिम टिल टुडे And really, it's been so wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. Our next question, please. हाँ, दोनों के साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आया. कटरीना के साथ तो कुछ ज़्यादा ही मजा आता है मुझे. और फैटी तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. दंगल में उन्होंने आपने देखा ये काम. इसमें भी आप देखिए बहुत खूब काम किया है. So it was great working with all of them and with Victor for the second time as well. So it was really wonderful. Yeah. Vijay ji, mera sawal aapse hai. The woman in the red on the right on top there.